कोरोना के पॉजिटिव मामले आने से पंडोह कस्बा सुर्खियों में आ गया है। यहां घोषित कंटेनमेंट जोन में प्राइमरी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में यहां 11 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए पीएचसी पंडोह के प्रभारी डॉक्टर अक्षित ने बताया कि आज पहली बार टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी टेस्टिंग शुक्रवार को होगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि शुक्रवार से पहले जरूरत पड़ेगी तो आपात स्थिति में भी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर अक्षित ने पंडोह वासियों से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि मंडी जिला में पिछले कुछ समय से कोरोना पॉजिटिव केस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पंडोह में भी कुछ केस पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते जरल कॉलोनी व पंडोह के कुछ भागों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मैं डॉक्टर अक्षित, मैं इंचार्ज पीएचसी पंडोह। आज पीएचसी पंडोह में जो 25 जुलाई को जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए थे, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट की सैंपलिंग करी हमने और भी उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। फिर उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम नेक्स्ट सैंपलिंग का डिसाइड करेंगे। कितने की आज इसमें? आज 11 पेशेंट्स की सैंपलिंग हुई पीएचसी पंडोह में, जो कि मैक्सिमम प्राइमरी कॉन्टैक्ट से थे पॉजिटिव पेशेंट्स के। उसके बाद अब कब आएगी दूसरी बार? नेक्स्ट सैंपलिंग की फ्राइडे को हो सकती है, फ्राइडे की डेट है हमारी, तो ब्लॉक रत्ती के अंदर फ्राइडे को कहीं भी सैंपलिंग कर सकते हैं।